आइए आइए, यहाँ यहाँ खड़े रहना, और जब तक हम कहता नहीं हो तब तक यहाँ से हिलना नहीं। हाँ टाइम वेस्ट मत कर, बर्तन निकालो। ए, ठहरो। बलराम, देखो तो ये लोग कौन है। अरे बलराम भैया आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं हूँ ना। अरे इनकी तो जाति ऐसी है, लेट आते हैं ताकि लेट जावे, डबल पैसा मैं संभाल लेता हूँ ना। ठीक है जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। कौन है बे? गंगा ताई। चलो 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 जल्दी। इतनी देर क्यों की? अरे इतने बड़े पतीले नहीं मिल रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो बाबू भैया, चलो चलो। हे जल्दी आ। हेलो। ओ तू भी है? ए बस शादी हो जाने दे, फिर देखना तेरे। चुप 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 चुप। चलो 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 चलो। हाँ अच्छा हुआ बर्तन सर पे था, नहीं तो जूते पड़ते। तू हमेशा पहन के रखना कमीने, जूते पड़ने का डर तो खत्म। भैया आप चुप बैठिए ना प्लीज। ओके okay. खड़े हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? ना बैठने को थोड़ी बोल रहा है। अरे चुप बैठ यार। ओहो भैया यहाँ क्या लड्डू परोसे जा रहे हैं? उठ जाइए। अरे कहाँ जा रहे हो यार तुम लोग? इधर 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 आवाज क्यों कर रहे हो? चलो 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 जल्दी अंदर आओ। अरे आप क्या धोती लेके चल चलो अंदर यार। चलो चलो काट। सुनो आप लोगों को पता है बाथरूम संडास वाले एले में जाके खड़े रहना। हाँ। मैं वहां आता हूँ, मैंने मस्त प्लान बना के रखा, बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहना। ओके चलो 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 चलो। आप क्या कर रहे हैं अंकल? क्यों आपने बोला ना साथ खड़े रहना। ठीक है आप खड़े रहो, मैं चलता हूँ। तुम यहाँ खड़े रहना और यहाँ से कोई अंदर ना आने पाए, समझे ना। सब लोग बड़ी टेंशन में है, कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने का खतरा मोल लेगा। अंगार चंद जी का सख्त पैरा है यहाँ, जय यहाँ आया तो अंगार चंद जी उसका गला काट देंगे यहाँ। अरे दिमाग में भूसा भरा का, बंदर वाजे पे पहरा दे रहा हो। यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ पहरा दो, यहाँ से कोई अंदर ना आने पाए। हाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, जय बहुत ही खतरनाक लड़का है। क्या बात है, कुछ गड़बड़ तो गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन बात का क्या पता है, कल हो ना हो। अच्छा इधर आ, इधर आ। तू डरना मत, मैं हूँ ना, अगर तुझे चाहिए तो थोड़ा गला गीला कर ले। क्या? अरे विस्की, रम, ब्रांडी, सोडा सब है हमारे पास। अरे थोड़ी सी हिम्मत के लिए हम सबने ले रखी है। अगर किसी को पता चला तो? किसी को पता नहीं चलेगा, मैं जीजा जी को भेज दूंगा, वो संभाल लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं करना। अरे नहीं 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 ऐसे ही बोलना, वो थोड़ी सी जबरदस्ती करेंगे, लेकिन तू ले लेना उनसे और खींच लेना। हाँ मैं उनको भेजता हूँ। भरोसा तो रुकना यार, सब अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। जीजा जी, हाँ। अरे इधर रहिए ना जीजा जी, थोड़ी गड़बड़ है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना तो गड़बड़ नहीं है। तो क्या हुआ? अपने दूल्हे को जरा गड़बड़ है, शादी की डर के वजह से पेट में। पेट में क्या है? अरे पेट में क्या है क्या, उसको टॉयलेट लगी है दो नंबर। ये कोई वक्त है इन गंदी चीजों का? कुछ टाइम के लिए वो रोक नहीं सकता है? अरे कैसे रोकेगा, रोकेगा तो डाउनफॉल हो गया तो। अरे मुझे शर्मा रहा, आप चलिए ना जरा मदद कीजिए ना प्लीज। अरे तू क्यों नहीं लेके जाता उसको? अरे कैसे लेके जाऊं मैं उसको, वहाँ औरतें बैठी है। आप बुजुर्ग है, औरतों को समझा सकते हैं, वो भी आपको ना 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 कह के बोलेगा। लेकिन आप उसको चलो 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 बोल के करवा देना प्लीज, क्योंकि शादी के बीच में हुआ तो गंदा लगेगा ना, गंदा लगेगा ना। तो आप चलिए ना, चलिए ना। अरे खुश रहो खुश रहो। मुझे नहीं करना है। चल मैं कह रहा हूँ जल्दी से कर लो, अभी कर लो, बाद में प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जल्दी से 1, 2, 4 कर लो। मैं कह रहा हूँ जल्दी से हो लो। जल्दी जल्दी जल्दी। उधर उधर उधर। देखिए मुझे नहीं करना है, और यहाँ सब औरतें भी खड़ी हैं। तो क्या हुआ, ये काम तो सभी करते हैं ना? सब करते हैं। हाँ हम लोग सुबह सुबह काम अपने घर से खत्म करके आते हैं। एक मिनट देखो, 5 मिनट के सब औरतों से कहना कि उस तरफ चली जाए प्लीज, इमरजेंसी है। जल्दी जल्दी चल 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 चल। देख अंदर पानी वानी सब कुछ है, जल्दी से निपटा ले, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? मैं अंदर क्यों, कंपनी दीजिए ना। छी 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 छी, तू अंदर जा, चल जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। कंपनी पेट तो काफी खराब है।
अरे आप यहाँ, लड़का कहाँ है? अरे उसके दो नंबर के लिए आप यहाँ पहरा दे रहे हैं? मूरत बिता जा रहा है, लक्ष्मी देवी आपका इंतजार कर रही है। सबर करो सबर करो, लड़के का पेट खराब है, उसको आजाद होने दो, नहीं तो मंडप में बाढ़ आ जाएगी। मैं यहाँ ठहर के बाढ़ को रोकता हूँ, आप जाइए। भोजन गृह के बाहर लक्ष्मी देवी आपका इंतजार कर रही है, जाइए। ऐसे जाऊंगा तो वो कमरा आ जाएगा ना? हाथ नीचे करके भी जाएंगे तो भी पहुँच जाएंगे, जाइए। धक्का क्यों देता है बेटा? कहाँ है बेटा? चीची हो गए बेटा। अच्छे मंत्र पढ़ता है। अब हाँ। हम नहीं रोकेंगे इसे, अंगारा को रोकने दो, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देखो तुम्हारा बेटा आया है मेरी नवासी के गले में मंगलसूत्र बांधने के लिए। कैसे अंगारा हो तुम? सारी दुनिया कहती है अंगार चंद ने एक बार जुबान दी तो कभी मुकरता नहीं। अगर ये बात सच है तो काट डालो अपने बेटे का गला। शक्ति बलराम, खड़े खड़े देख क्या रहे हो नाकारो? अभी भी आपको यकीन नहीं आया पिताजी की इस औरत के दिल में क्या है? इसने ये सब नाटक मेरी शादी रचाने के लिए नहीं किया था। हम बाप बेटे आपस में लड़कर मर जाए इसके सामने, यही आरजू थी इसके दिल में। मैं तो सिर्फ चाहता था कि आपको सच्चाई का पता चले, इसलिए मैं यहां तक आया हूं। इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको हरा के इससे शादी करूं। अंजलि मुझे माफ कर दो, एक बार मेरे पिताजी ने तुम्हारी शादी रुका दी थी और आज मैं भी, लेकिन मैं अपने पिताजी की सांस रोककर तुम्हें एक नई जिंदगी नहीं दे सकता। पिताजी की मर्जी और आशीर्वाद के बिना हम एक साथ नहीं जी सकते। रुक, बांध मंगलसूत्र उसके गले में। मैं कह रहा हूं ना, बांध उसके गले में। अगर पिताजी कहे तो। मैंने पिताजी का मन महसूस किया है, बेफिक्र बांध। अगर तू अंगारचंद का बेटा है तो बांध उसके गले में मंगलसूत्र।
छीन लो मंगलसूत्र इसके हाथ से। इधर से मंगलसूत्र मिल गया। जीजाजी हाथ नहीं आना किसी के, भागिए। आदमी नजदीक नहीं आना चाहिए। मंगलसूत्र के नीचे गिरता ही उसे तोड़ दो। मंगलसूत्र बांधे बिना ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मर्यादा की सरहद है, अगर मेरी नवासी तक पहुंचता है तो तुम्हें पहले हमें मिटाना होगा। हाँ। और कितनी दुश्मनी नानी माँ, सब कुछ भुलाकर शादी को स्वीकार कर लीजिए। आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कम से कम माफ तो कर दीजिए पिताजी। हम दोनों कहीं दूर अपनी दुनिया बसा लेंगे। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। यहां पिताजी के पैर छुओ और आशीर्वाद लो। गोपी, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। चल पिताजी के पैर छू लेते। चल, चल।
पहुंच गए। मेरे बच्चों,